ये है हमारी आंटी का रूम, तो दो रूम है हमारे। नाइट में भी बहुत अच्छा लगेगा आंटी, जब मतलब ये लाइटिंग वाइटिंग चल रही होगी, है ना, वो देख सकते हैं कितना वीआईपी है। ऐसा लग रहा है दावत में आए अपने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस अभी वक्त हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं रात के बिल्कुल करेक्ट 3 ही बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो रहे हैं निकलने के लिए। थोड़ी देर में हमारी गाड़ी आने वाली है और कॉल कर दी है उन्होंने, तो फिर बस जल्दी जल्दी से अब हमको निकलना है। ठीक है, तो मम्मा तैयार हो रही है और मैं अपने बस लोअर तो हाँ ये ब्लैक लोअर लाया था मैं और ब्लैक टी शर्ट लाया था मैं और ये चश्मा भी ब्लैक हो जाएगा जब धूप निकलेगी, अभी तो फिलहाल रात है। शूज होंगे अपने वही महंगे वाले और फिर निकलते हैं इसी आउटफिट के साथ, बाकी जब वहां पर पहुंच जाएंगे तो फिर चेंज नहीं होती रहेगी। आज का दिन जो है वो इसी आउटफिट में निकलेगा क्योंकि स्टाइलिश लग रही है और अभी जब सफर पूरा हो जाएगा तो और स्टाइलिश लगेगी। ठीक है, तो फिलहाल जूते उत्ते पहन लेते हैं और निकलते हुए आपके साथ मुलाकात करेंगे क्योंकि आज का सफर में काफी मजा आने वाला है। गाइस बस मम्मा को अब नकाब ओढ़ना है, हम ले जा रहे हैं फ्रूटी और बिस्लेरी और उसके अलावा नॉर्मल पानी भी। तो मम्मा हो चुकी है तैयार जैसे कि आप देख सकते हैं, बाहर हमारे सारे बैग रखे हैं, पापा भी तैयार हैं और गाड़ी भी तैयार है, अब चलते हैं। ठीक है भाई साहब, घर से बाहर। भाई लोग अभी सुबह का टाइम देख सकते हैं, 6:05 हो चुके हैं। हाँ चलो चाय वगैरह पी लो। तो यहाँ से हम रिसीव करेंगे अपने आंटी को, अंकल को और आकिब को, तो यहाँ से साथ चलेगा सबका सफर, तो उनके घर चलते हैं अभी। तो अभी निकल चुके हैं आंटी के घर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं मम्मा और पीछे पापा और वो आ रहे हैं ड्राइवर साहब। तैयार नहीं हुए? चलो भाई, हेयर कटिंग कहाँ से कराई? चलो भाई लोग जल्दी जल्दी। तो चलिए गाइस सभी लोग निकल चुके हैं, अब चलते हैं गाड़ी में बैठते हैं सारे लोग और सीधे रवाना हो जाते हैं दिल्ली के लिए। बैठ गए सारे लोग? चलो भाई लोग दिल्ली की तरफ रवाना होते हैं। अब कोई परेशानी तकलीफ तो चलिए गाइस अभी थोड़ा सा स्टॉप लिया है, हाईवे पर चल रहे हैं, अभी बड़े वाले हाईवे पर आएंगे। ये सो गए जैद? पीछे वो इंतजार है कि दिल्ली कब आएगा, वो अभी बैठे मैप देख रहे हैं बार बार बेचारे नापतोली कर रहे हैं। नापतोली दिल्ली कितनी दूर है भाई, दिल्ली बहुत दूर है भाई। हाँ यहाँ पर ढाबे पड़े हुए हैं, मम्मा कह रही थी खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और लेकिन अब मकर गयी। तुम लोग आती हो खा के ना लो, फहीम और अल्लाह के नाम है वाहिद और खा लो, खा लो अभी ना खाएंगे तो कोल्ड ड्रिंक निकाल लो अपनी। चलो हल्का फुल्का खा भी लेते। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में, छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में, के भागे हम या भीगे हम अकड़ में, तो सोचा फिर। भाई साहब अभी फिलहाल हम दिल्ली पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक जगह रुके हुए हैं, गाड़ी की कर रहे हैं चेकिंग, 10,000 का चालान कर रहा था। भूख तो नहीं लग रही? सिग्नेचर ब्रिज जाने वाला आप? सिग्नेचर ब्रिज सोचा फिर, गीला हुआ है जो सुखाना हो, हो, हो। चाहे जनाना या मर्दाना हो, 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 हो। अटेंशन मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा, ए वे मुझे पासा तेरी ऐसी की होता सी जिंदगी, मैं का नया पासा फिर दे गई झांसा, मुझे। तो पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, अभी अपने होटल जा रहे हैं, फाइनली होटल पर पहुंच चुके हैं, अभी एंट्री लेते हैं। बैठ जा ठंडक ले लो थोड़ी। चलो भाई साहब
अपने रूम में जा रहे हैं। बंद हो गया हमारे एक रूम का भी कार्ड मिल गया है हमको, उसमें जा रहे हैं। सेकंड फ्लोर चलो। देखो यहाँ से झरना, 201 नंबर है चाचा अभी। ठीक है भाई साहब, फाइनली अपने रूम में हाजिर हैं हम लोग। ये लो ये संभाल के रख लेना, इससे लॉक खुलता है अपने रूम का। चलो भाई साहब बताना कैसा है अपना रूम। अपना टीवी भी लगी है अपनी आराम से, बालकनी में जा रहे हैं। लो बालकनी का सीन तो बहुत बढ़िया है पापा, रोड दिख रहा है, बढ़िया व्यू मिला है आके। सही है, कितना अच्छा व्यू मिला है हमको यहाँ से रोड का। चलो तो अभी हम और शायब आए हैं बिरयानी पैक करवाने के लिए। सबसे पहले बिरयानी टेस्ट करते हैं दिल्ली की, होटल में लेकर जाएंगे बिरयानी। तो फाइनली गाइस अभी हमने फिलहाल पहला खाना अपना ले लिया है, दिल्ली का बिरयानी, जो कि हम अभी कहीं नहीं जाएंगे ना, थोड़ा सा आराम करना है तो बिरयानी खा लेंगे पहले आराम से, फिर आराम करके घूमेंगे बाद में। साहेब हम स्कूटी चलाना सीख गए, पहले साइकिल नहीं चलाना जानते थे तो मैं स्कूल से आता था मेरी साइकिल पे बैठ के आते थे पीछे, आज मुझे गर्व है कि मैं इनके पीछे बैठा हूँ। वापस पहुंच चुके हैं अपने होटल पर, अब जल्दी से चलते हैं और ये बिरयानी सर्व करते हैं सब लोगों को। अपना होटल क्या सपना ही है यार अमीर आदमी। खुल जाओ गलत जगह लग गया पानी बढ़िया रखा था। ओ चलो 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 भाई साहब, एक बात है बहुत खतरनाक, प्लेट वलेट सब चीज पैक करवा के लाए। वैसे मैं तो नहीं लाता, क्रेडिट जाता है इसका इनको क्योंकि पैक करा चुके थे, बाद में इन्होंने ध्यान दिया कि हाँ प्लेट है। हमारी मम्मा बहुत अचका देती, कहती कोई ध्यान ही रखते हो, चटनी भूल जाते हो, सामान ले लेते हो, चम्मच भूल जाते हो। चलिए भाई लोगो, चलो चलो खाना आ गया भाई और बहनों। चलो भाई साहब खाना वाना खा लेते, बहुत ही भूख लग रही है। अच्छी वाली बिरयानी है, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। क्या ना पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है भाई साहब, बिरयानी जो है निकल कर आ चुकी है, ऐसा लग रहा है दावत में आए अपने। अच्छा लगता है काफी सारे लोगों के साथ आता है ना। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, आप नहीं खाओगे जैद? आ जाओ अब मिलते हैं आप लोगों से खाना खाने के बाद। गाइस खाना पीना खाने के बाद अब थोड़ा सा वक्त आता है आराम करने का, जैसे कि आप देख सकते हैं लेट चुके हैं सब, बैठ चुके हैं, लेकिन इनको चैन नहीं है बिल्कुल भी। और आपको व्यू दिखाते हैं, देखो यहाँ से खिड़की में से व्यू देख सकते हैं बाहर का, और दूसरा है जंगला उधर, और यहाँ का भी व्यू आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग्जरी व्यू है। तो गाइस होटल का पूरा लुत्फ उठाते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं आंटी यहाँ पर जो कॉफी मशीन रखी है उसमें कॉफी बना रही है, देखते हैं सारा कुछ यहीं से सिस्टम है, देखते हैं होटल की बनी हुई कॉफी कैसी होती है। पूरा मजा होना चाहिए, बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए कुछ भी, है ना अम्मा? और ये सब आराम, हम तो लेट के मजा ले रहे हैं। बहुत काम कर कर आए घर पर, हाँ सब आराम कर रहे हैं भैया। पहले छोटी बहन चाय बना रही है, और ये सबसे ज्यादा मेहनती तो ये है, ये तो अभी भी काम में लगे। तो चलिए गाइस अब हम आपको दिखाते हैं आंटी का रूम। आंटी का रूम जो है ओपन हो चुका है, और हमारा भी रूम और आंटी का रूम दोनों के सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं। तो अभी हम अपने रूम के अंदर हैं, तो अपना रूम दिखाते हैं पूरा अच्छे तरीके से कि कैसा कैसा है सब कुछ। ठीक है गाइस, हमारे रूम का आपने सिनेमैटिक शॉट देख लिया, अब चलते हैं आंटी के रूम में। आंटी का अलग रूम है और उसकी अलग वाइब है, तो चलिए। जैसे कि आपने देखा ये है हमारी आंटी का रूम, तो दो रूम है हमारे, दोनों के अलग अलग वाइब हैं, अलग अलग लुक है। आप लोग बताना कि कैसा लगा। सही है, और आंटी ने चाय वो सॉरी कॉफी बनाई है, चाय बनाकर
आंटी के घर आए हम तो आंटी भाई ने खुद बनाकर पी थी वहाँ से बना के हमारे घर से बनाकर लाकर यहाँ पर पिला रहे हैं तो काफी मजा आया, आराम भी काफी अच्छा से हो रहा है मतलब। अरे हाँ, यहाँ की एक चीज रह गई, यहाँ का लुक कैसा मिल रहा है, ओफो जबरदस्त। नाइट में भी बहुत अच्छा लगेगा आंटी यहाँ पे, जब मतलब ये लाइटिंग जल्दी होगी है ना। यहाँ पे विशाल उसकी नजर वहाँ पे जा रही है थिएटर पे कल जाएंगे। तो भाई साहब अभी फिलहाल हो चुका है रात का वक्त, आपको घूमने वाला व्लॉग मिलेगा कल। कैसी लग रही है होटल से आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये भी जैसे कि आप देख सकते हैं रात का नजारा कुछ यहाँ से ऐसा है, इधर से चलकर भी दिखा देते हैं। काफी अच्छा एरिया है, काफी अच्छा व्यू है। पापा यहाँ पर सोफे पे आराम से आराम कर रहे हैं। तो दूसरा वाला एरिया जो है वो देख सकते हैं कितना VIP है। रात में तो अलग ही वाइब आती है इसकी। आंटी गई अपने रूम में जो कि मैंने आपको दिखाया। आंटी सो गई, आंटी जी सो गई है। तो यहाँ पर ये आंटी का रूम है, आंटी सो गई और इनकी चुस्की लग चुकी है। सबके अपने अपने घर हैं, अलग 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 एंजॉय कर रहे हैं सब। और आज ही रात को इसमें रुके हैं, ये वाले होटल में। कल होगा दूसरे होटल में हमारा विजिट। तो जो दूसरे होटल में है वो और VIP रूम है हमारे, जो कि कल आपको देखने को मिलेगा व्लॉग में, ठीक है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दुद्धी पीते से उठ गया आ गए। और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।